नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की निर्मम बलात्कार और हत्या का मामला, जिसे हाई कोर्ट ने अब सीबीआई को सौंपने के आज आदेश दे दिए। आज कोलकाता हाई कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन को संवेदनहीन बताया और फटकार भी लगाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये केस कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंपा जाए। कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए और प्रिंसिपल को कैसे इतनी जल्दी दूसरी जगह नियुक्त किया पूछा। अस्पताल प्रशासन ने खुद क्यों नहीं मामले पर केस दर्ज किया। ये मामला अननेचुरल डेथ का है। यहाँ बता दें कि महिला डॉक्टर के पिता ने कहा था कि उन्हें बेटी की मौत के बारे में अस्पताल प्रशासन ने कहा था कि आपकी बेटी की आत्महत्या की है, और जब पिता वहाँ पहुँचे तब हालात देखकर वो कांप गए थे। महिला डॉक्टर की बर्बर हत्या पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स की सीबीआई को सौंपने की अहम मांग थी, और साथ ही सुरक्षा को लेकर नियम की सख्ती से पालन पर ये लोग जोर दे रहे थे। और आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए पहले सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट पर। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का मामला है, इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दी है। आज सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का ये निर्देश आया है कि कल सुबह 10 बजे तक जो तथ्य है, जो एविडेंस है इस मामले में, ये सारे जो एविडेंस है सब कुछ 10 बजे सुबह तक सीबीआई को हैंडओवर करना है केस डायरी के साथ। आज सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो रवैया था उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनका लैप्स को भी हाईलाइट किया। ऐसा माना जा रहा था कि पहले इस मामले में अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर हुआ था, जिसके वजह से आरोप ये उठे थे कि कहीं क्या यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश हो रहा है। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पे और स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर यहाँ पे सफाई दिया कि जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं होता तब तक पुलिस के जो कार्रवाई है वो अननेचुरल डेथ के केस रजिस्टर करके होता है, और कंप्लेंट फाइल होने के बाद केस रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि परिवार वालों ने शायद शाम को जाके केस रजिस्टर किया है, उनकी स्थिति ऐसी थी वो शाम को पहुँच पाए, लेकिन अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में जब अस्पताल के अंदर एक महिला छात्र का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिले हैं, तो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कंप्लेंट फाइल नहीं किया तुरंत, इस पर सवाल उठाए हैं। और साथ साथ जो प्रिंसिपल थे उस वक्त संदीप घोष, जिसको रिज़ाइन करने के कुछ ही घंटों बाद फिर से एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, उस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या ज़रूरत था, क्या इतनी जल्दबाजी थी इनको रीइंस्टेट करने की, और क्यों ऐसा किया गया और उनको लंबे लीव पर, लॉन्ग लीव पर भेजा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने, रिलीविंग हिम ऑफ हिज ड्यूटीज। सो ये ज़रूर एक स्थिति बनी है और सीबीआई के पास जांच सौंप दी गई है। तो सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, और देश भर में प्रदर्शन को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आभा सिंह जी हैं, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी समय निकालने के लिए। जो ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से हाई कोर्ट ने आज अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर की मौत होती है और जिस तरह से जिस हालात में पिताजी को कहा जाता है कि आत्महत्या शायद कर ली है और फिर जाके पिता देखते हैं, वाकई में बहुत ही संवेदनहीन पूरा मामला दिख रहा है।
बिल्कुल, आपने बहुत सही चीज बोली कि संवेदनहीन है, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उनको वो स्टेप डाउन करते हैं जब डॉक्टर्स के रोष को देखते हुए, और उसके बाद 12 घंटे के अंदर उनको दूसरे हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया जाता है, ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आप उनको इनाम दे रहे हैं, मतलब एक रिवॉर्ड दे रहे हैं आप, ये बात आती है। और दूसरी बात निधि जी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आती है कि जो ये आरोपी है ये सिविक पुलिस वॉलंटियर था, तो ऐसे लोगों को कैसे आप इस तरह की पावर देते हैं कि वो पुलिस के थाने में रहते हैं, ये रेप करने के बाद जाके पुलिस बैरिक में सो गया। मैं देख रही थी कि सिविक पुलिस वॉलंटियर की कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया, इसने 4 शादियां की हुई थी, ये वायलेंट था, ये बॉक्सर था, मैं तो बॉक्सर था, इसीलिए इतना ये विभत्स रूप में इसने इस लड़की का जो गर्दन का लिगामेंट थायराइड का तोड़ा है, उसकी पेल्विक इंजरी है। तो मुझे लगता है कि ये पुलिस की भी इसमें उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप किसी को वो पावर दे रहे हैं तो आपने उसका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया, और साथ ही साथ ये पहले भी ऐसा करता रहा होगा, क्योंकि जिस बेखौफ से ये गया है और ये बच्ची शायद प्रोटेस्ट करी इसलिए इसको मार दिया। मैं चाहूंगी कि इंक्वायरी हो कि क्या ये सीरियल रेपिस्ट तो नहीं था, पहले भी डॉक्टर्स और नर्सेज उस जगह पर रात में सो जाती होंगी थक के, तो ये करता होगा जरूर, तो ये पहला रेप नहीं होगा मेडिकल कॉलेज का, ये कई होंगे, तो इस पर भी देखना जरूरी है। और चूंकि ये ममता बैनर्जी के टाइम पे ये स्कीम आई थी 2013 में, इनफैक्ट ये सिविक वॉलंटियर्स को बोनस भी दिया जाता था, 5,000 रुपए पूजा बोनस, 8,000 रुपए इनको सरकारी तनख्वाह दी जाती थी, आप कैसे देते हैं बेलगाम लोगों को आप, और ये बेसिकली पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, पार्टी वर्कर्स हैं जिनको आप वॉलंटियर्स बना दे रहे हैं, तो आप एक तरह से अन्याय कर रहे हैं टैक्स पेयर्स पे, आप अन्याय कर रहे हैं देशवासियों पे कि आप उनके पास एक पुलिस का तमगा देके एक आरोपी को रख दे रहे हैं। तो जरूरी है, अच्छा हुआ हाईकोर्ट ने इसको सीबीआई को इंक्वायरी दी है, क्योंकि अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये हॉस्पिटल में एडमिशंस कराता था, लोगों को मूव करता था, तो ये सब इंक्वायरी बहुत जरूरी है। ये मुझे बिल्कुल निर्भया याद दिलाता है, और किस गैर जिम्मेदारी से, क्योंकि अस्पताल के अंदर एक और एक्ट लगता है इसमें, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसमें भी विशाखा गाइडलाइंस आई हैं कि वर्क प्लेस हैज टू बी मेड सेफ फॉर वर्किंग वुमेन, तो ये हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल के वर्क प्लेस था, तो वर्क प्लेस सेफ्टी में प्रिंसिपल ने क्या किया, अथॉरिटीज ने क्या किया, ये सब देखने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इसमें सीबीआई ही सच्चा न्याय कर पाएगी। आबा जी, एक चीज और संक्षेप में, जो हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा है बहुत अहम पहलू है इसका, और जिस तरह से डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग थी वो तो चलिए मान ली गई, लेकिन वो सेफ्टी एक्ट की जो बात कर रहे हैं वो एक मजबूती से लागू हो, उसके लिए क्या क्या हमारे यहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं है, या कानून क्या कहता है, ऐसे में कैसे हम अपने डॉक्टर्स को सुरक्षित रख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लखनऊ से हमारे एक सहयोगी थे, उन्होंने वहाँ पे, मैं पहले सुन रही थी, उन्होंने बातचीत की, महिला डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं हैं, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें बाहर लेने जाना पड़ता है, तो जो सुविधाएँ हैं, हालांकि डॉक्टर्स पे सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने देखिए ओपीडीज बंद कर दी है, ये तो बिल्कुल इमरजेंसी सेवा होती है, वो बात भी है, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो महफूज रहें, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया जा सकता है ठोस? देखिए बहुत चीज़ें, दो तरह की सुरक्षा है, एक तो ये आपकी सुरक्षा है सेफ्टी की, जो कि इस तरह के रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं जो महिलाओं पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन में अगर ये, जैसे अभी यहाँ भी डॉक्टर्स का कहना है कि रात में अगर हम जाते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दूर दूर होते हैं, हमको अंधेरे में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, बिल्डिंग्स दूसरी होती हैं, विदेशों में इनके साथ एस्कॉर्ट जाते हैं, इंडिया में किसी भी डॉक्टर को एस्कॉर्ट नहीं दिया गया है, अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें आधा 1 किलोमीटर पर दूसरा डिपार्टमेंट होता है, तो ये डॉक्टर्स का मानना सही है कि रात भी रात हमको जाना पड़ता है, तो आप हमको सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए। साथ ही साथ ये भी देखिए, अगर कभी किसी के पेशेंट को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जो परिवारजन है वो अपना गुस्सा इन निरीह डॉक्टरों पे निकालते हैं, जबकि उनका कोई दोष नहीं होता, तो ये भी एक जो है डॉक्टर्स की डिमांड हमेशा रही, और इसके लिए एक बिल भी लाया गया था डॉक्टर सेफ्टी का, कि अगर कोई पेशेंट हो या कोई रिश्तेदार हो अगर डॉक्टर को अटैक करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, इसके लिए डॉक्टर्स ने पहले भी स्ट्राइक करी थी, लेकिन ये बिल आज तक सामने आया नहीं। तो ये डॉक्टर्स की डिमांड रही है, तो चाहूंगी मैं कि दो तरह की सेफ्टी है, एक तो उनकी सेफ्टी है कि जो अगर रात में काम कर रहे हैं, दूर से आते हैं तो उनको पिकअप है, ड्रॉप है, उनको हॉस्पिटल के अंदर की सेफ्टी है, जैसे इस तरह की घटना ना हो, जैसे ये डॉक्टर को रेप किया गया, और दूसरा है कि अगर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनको कोई पेशेंट है, गेस्ट फैमिलीज है, वो उनको अटैक ना करें, तो उसके लिए तो कानून लाना पड़ेगा कि अगर कोई डॉक्टर पे हाथ उठाता है, जैसे हम लोग का पहले 332 IPC था कि अगर पब्लिक सर्वेंट पे आपने हाथ उठाया उसको उसकी ड्यूटी
ही करने से रोका तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो उसी तरह का एक डिटेल डॉक्टर्स के लिए लाना पड़ेगा रोड मैप की, ताकि उनके साथ कोई मिसबिहेवियर ना कर सके। मुझे तो अरुणा शानबाग भी याद आ गई, वो नर्स अस्पताल की जिसको वार्ड बॉय ने रेप किया था और 20 साल वो वेजिटेबल बन के रही। तो ये चीजें हमेशा से रही है, बट मुझे लगता है देश के नेताओं ने डॉक्टर्स को फेल किया। बिल्कुल, नेताओं ने फेल किया। और वाकई में अब भी क्या हम इस मामले से कुछ कर पाएंगे ठोस अपने डॉक्टर्स के लिए, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आबा जी जुड़ने के लिए। और महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ है, एक राजस्थान का भी मामला आया है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान नागौर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल के पीछे बांध कर घसीटते हुए नजर आ रहा है। वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने आरोपी प्रेमराज मेघवाल को अब जाकर गिरफ्तार किया है, जब ये सोशल मीडिया पे आया है। आइए पुलिस को भी सुनेंगे और साथ में हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने इस पर जानकारी भेजी है, उनको भी सुनते हैं। एक महिला को घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उस पर पुलिस ने तुरंत प्रसंज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। उसको जो वीडियो के अंदर जो व्यक्ति था उसको आइडेंटिफाई किया और व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने लाए। जिस प्रकार से घटना थी उसमें अपराध बिल्कुल बनता था, तो पुलिस ने खुद ने संज्ञान लेते हुए पुलिस कॉन्स्टेबल के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और उस जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया। जो औरत है वो प्रथम दृष्टया अभी ये उस आरोपी से पूछने बता रहे हैं कि वो उसकी पत्नी है, वो जब आएगी हमारे पास में और जिस प्रकार से उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो वह बात बताएगी उसमें जब तथ्य होने के बाद में ये तथ्य हम बता पाएंगे कि उसके साथ में क्या घटना हुई। हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह है। हर्षा, ये भी बहुत ही भयावह दृश्य है और ये 1 महीने बाद संज्ञान में आया, अब जाकर इस पर एक्शन हुआ है। देखिए, जैसे ही पुलिस को, इसमें एक बात कहना जरूर है कि जैसे ही पुलिस को पता चला, क्योंकि कल ये वीडियो वायरल हुआ है, और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है तो वहाँ पर जो SHO है, खेतराम जो है SHO है, उन्होंने तुरंत इस शख्स को पकड़ लिया। फिर जो आगे की कार्रवाई है, पुलिस वेट कर रही है कि जो महिला है उससे बातचीत किया जाए और फिर पता चलेगा कि ये क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्योंकि जो महिला है वो राजस्थान की रहने वाली नहीं है, वो उड़ीसा की है, और वो उड़ीसा की है तो ये केस कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है, जहाँ पर जो ये दलाल एक्टिव होते हैं और महिलाओं का जो एक ब्राइड फॉर सेल की जो प्रक्रिया चलती है कहीं कहीं, कि वो जो ब्राइड्स है या जो पत्नी है उसको खरीद के लाते हैं, तो ये एक्चुअली एक तरह से व्यवहार नहीं होता है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस होता है और फिर उनको बहुत बुरी कदर से ट्रीट किया जाता है। महिला जो है वो जैसलमेर में है, वो अभी थाने पे पहुंच जाएगी। मैंने कुछ देर पहले ही खेतराम जो SHO है उनसे बात करी है और SP से भी बात करी है, वो महिला से पूछ के उसके बयान के आधार पे आगे जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने, नागौर SP ने बताया है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए और SHO की तत्परता की वजह से जो आदमी को पकड़ा गया था उसको कस्टडी में ले लिया है। IT एक्ट और जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की धाराएँ हैं उसके तहत FIR दर्ज कर दी गई है और इसको हिरासत में रखा गया है। महिला के स्टेटमेंट और मेडिकल के बाद इसको अरेस्ट किया जा सकता है, किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरह से हम देख सकते हैं हर्षा, समाज में लोग, एक महिला जाती हुई नज़र आ रही है, लोग ज़्यादा, समाज मदद करने को नहीं आता इस तरह के हालात में। आप हमारे साथ जुड़ी, मुझे बताया जा रहा है समय इतना ही है मेरे पास बात करने के लिए आपसे, लेकिन वाकई में ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से बर्ताव महिलाओं के साथ हो रहा है किसी भी राज्य में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर से जुड़ी भी खबर का रुख करेंगे। क्या वहां पर चुनावों की तैयारी होनी शुरू हो गई है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और देश की बातें, अब बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात को लेकर बैठक है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कल गृह सचिव के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करेगी। ये बैठक जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर होगी। हाल ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, गृह सचिव ये बैठक लेने जा रहे हैं, वाकई में महत्वपूर्ण होगी, क्या इसमें फैसले निकल कर आ सकते हैं?
देखिए अमूमन यही होता है निधि कि जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा करनी होती है तो चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के साथ वहाँ के सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेता है। और जैसा आपने बताया है कि अजय भल्ला जो कि गृह सचिव है उनके साथ कल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चुनाव आयोग की होने जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर के जो सुरक्षा हालात है इसके बारे में होम मिनिस्ट्री की क्या रिपोर्ट है, उनका क्या असेसमेंट है, वो साझा किया जाएगा चुनाव आयोग के साथ। अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का एक दल जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और वहाँ पर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्दी से जल्दी कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी बाहरी या अंदरूनी ताकत जम्मू कश्मीर की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको डिरेल नहीं कर सकती, उसको पटरी से नहीं उतार सकती है। तो ये मान करके चलिए कि जो कल की बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि जो भी फीडबैक और जो रिपोर्ट मिलेगी होम मिनिस्ट्री से उसके आधार पर ही चुनाव आयोग अपना अगले कदम का ऐलान करेगा। और माना जा रहा है कि जिस तरह से खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि चुनाव आयोग कमिटेड है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, तो जल्दी ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए। इंतजार है वहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा हालात का जायजा लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फैलाने के लिए नामित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के किसी भी मंत्री को नामित कर सकते हैं। और इससे पहले आपको ये बता दें कि कल ही खबर आई थी गोपाल राय अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्होंने आतिशी को नामित किया है। बहरहाल क्या ये दिल्ली की राजनीति है, हमारे सीधे चलते अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, तो अब राज्यपाल ने तो अशोक गहलोत कैलाश गहलोत को नामित किया है झंडा फहराने के लिए, और इसके बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि किसकी जीत हुई है किसकी हार हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आतिशी को चाहते थे कि वो तिरंगा फहराएं 15 अगस्त पर, लेकिन उपराज्यपाल ने कैलाश गहलोत को नॉमिनेट कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस कदम का स्वागत भी किया है, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि अचानक से कैलाश गहलोत का नाम कहां से आया है, क्या ये चर्चा हो रही है कि क्या वो बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं या फिर जानबूझ के एक दाव खेला गया है ताकि आम आदमी पार्टी के खेमे में ये चर्चा शुरू हो जाए कि कहीं उनका अपना बंदा जो है वो बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ये सारी चर्चाएं अब चल रही हैं और ये भी बात हो रही है कि आखिर इसे किस तरह से देखा जाए, ये क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि अल्टीमेटली किसी ब्यूरोक्रेट ने या उपराज्यपाल ने अब तिरंगा नहीं फहराना है, केजरीवाल सरकार ने ही फहराना है। लेकिन फिर इसमें हासिल क्या हुआ, कि सिर्फ हासिल क्या यही हुआ कि बस जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बस उसको नहीं मानना है, किसी और को मान लेंगे। तो ये सब चर्चा चल रही है, लेकिन इस सब के बीच फिलहाल के लिए ये तय हो गया है कि कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली के परिवहन और गृह मंत्री हैं उनको वो सम्मान परसों 15 अगस्त को मिलने जा रहा है, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री को प्राप्त होता है वो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। बहुत बहुत धन्यवाद शरद इस जानकारी के लिए। तो कैलाश गहलोत 15 अगस्त को फहराएंगे झंडा दिल्ली के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात हम महाराष्ट्र की करते हैं। भाजपा नेतृत्व ने आने वाले विधानसभा चुनाव की खातिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कप्तान तो बना दिया, लेकिन फडणवीस के लिए ये जिम्मेदारी किसी कांटों के तार से कम नहीं है। पार्टी के भीतर, महायुति गठबंधन के भीतर और विपक्ष की ओर से पेश होने वाली कई चुनौतियों से फडणवीस को दो चार होना होगा। एक रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस चर्चा पर विराम लग गया है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली जा रहे हैं। पार्टी की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि 2 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए कप्तान देवेंद्र फडणवीस ही रहने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद फडणवीस के लिए जिम्मेदारी काफी चुनौती भरी हो गई है। महायुति के जो सीट्स जो हमारे चुनावी हमारी सीटें हैं वो चुनावी सीटों की चर्चा और सीटों के बंटवारे का विषय आगे बढ़ाना ये तुरंत ही करना ये हमने तय कर दिया है। उसका पूरा अधिकार माननीय देवेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने दिया है और स्वाभाविकता माननीय एकनाथ जी माननीय अजीत दादा पवार इनसे देवेंद्र जी और माननीय रामदास अठावले जी और अन्य हमारे महायुति के नेताओं से अब जल्द ही चर्चा शुरू होगी और चुनाव जीतने का पहला कदम सीटों के बंटवारे में भी हम आगे रहेंगे। फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मराठा आरक्षण आंदोलन से है।
आंदोलन के नेता मनोज जरंगे पाटिल के निशाने पर बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस हैं। पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए काम करें। लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी की सीटें इसलिए घट गईं क्योंकि मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में मराठाओं ने उसके खिलाफ वोट किया। ये देखना दिलचस्प होगा कि फडणवीस मराठाओं के इस विरोध से कैसे निपटते हैं। दूसरी चुनौती है भाजपा नेताओं को विपक्षी खेमे में जाने से रोकने की। आमतौर पर चुनावों से पहले जिसका पलड़ा भारी दिखता है, नेता और कार्यकर्ता उसकी तरफ जाते हैं। 2019 में एनसीपी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, लेकिन इस बार उल्टी गंगा बहने की आशंका है। फडणवीस के सामने तीसरी बड़ी चुनौती है महायुति को साथ रखने की। सीट बंटवारे में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है। एनसीपी और शिवसेना के बीच टकराव की खबरें भी आती रहती हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को काफ़ी मजबूत किया है राजनीति में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे कोई भी निर्णय उनके विरोध में गया हो, फिर उसी निर्णय को अनुकूल बनाने में वो काफ़ी कामयाब हो चुके हैं, काफ़ी यश मिला है उनको। और आज की तारीख में उनके जैसा नेता भाजपा के पास नहीं है, उनके जैसा चेहरा भाजपा के पास नहीं है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा निर्णय है। अगर दिल्ली ने अगर ऐसा निर्णय लिया है तो काफ़ी बड़ा निर्णय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र ही अंतिम शब्द अपना देंगे और वही निर्णय लेंगे कि चुनौती क्या है, कैसे उसका सामना करना है, उम्मीदवार किसको बनाना है और कैसे चुनकर लाना है। हिंदी की एक मशहूर कहावत है कि सोने की असली परख कसौटी पर होती है। फडणवीस इससे पहले भी कसौटी पर खरे उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए फडणवीस पर फिर एक बार दाव चला है। देखना दिलचस्प होगा कि फडणवीस क्या इस बार फिर एक बार कसौटी पर खरे उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यभर के कॉलेजेस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की लिखी गई पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग के इस आदेश ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जहां विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे एक विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास बताया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का कहना है कि पहले एक राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश के कॉलेजों की लाइब्रेरी में जल्द ही छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराने के लिए 88 किताबें आएंगी। इन 88 किताबों में वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी सुरेश सोनी, आरएसएस के शिक्षा विंग विद्या भारती के पूर्व महासचिव दीनानाथ बत्रा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महासचिव डॉक्टर अतुल कोठारी की किताबों के अलावा आरएसएस के शिक्षा विंग विद्या भारती के संकलनों वाली किताबें भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में सभी सरकारी कॉलेजों, अनुदानित गैर सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को खत लिखकर भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के जरिए छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपराओं से परिचित कराया जा सके। सरकार का कहना है ये नया निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इन 88 पुस्तकों में से 3 पुस्तकें सुरेश सोनी ने लिखी हैं, जबकि सबसे ज्यादा 14 पुस्तकें विद्या भारती के पूर्व महासचिव दीनानाथ बत्रा ने लिखी हैं। कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी बताया है, वहीं बीजेपी समर्थन कर रही है। भारतीय संस्कृति की किताबें पढ़ानी है तो आप जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ाइए। बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो है साहित्यकारों ने इसके ऊपर लिखा है उनके जो है पढ़ाइए। मैथिली शरण गुप्त को पढ़ाइए। आप पढ़ा रहे हैं किसको? संघ के नेताओं को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हें उबलाई बिल्कुल मिलाकर उनको जो है जनता के धन से आप सहायता करना चाहते हैं, तो उसके लिए किताबों का रास्ता निकाला है, ये रास्ता उचित नहीं है। अगर देश का इतिहास, देश की जो संस्कृति रही है उसको कांग्रेस अगर भगवाकरण कह रही है तो ये कांग्रेस की छोटी सोच है। मुझे लगता है उन्हें भी इस बात से निकलना चाहिए और अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए, और उन्हें भी इन सब चीज़ों का अध्ययन करके हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी के बच्चों को हमारे इतिहास से अवगत कराना।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि राज्य के स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में भगवान राम और कृष्ण की शिक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा से छात्र परिचित हों, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन आज ही राष्ट्रीय संस्थागत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग आई है उसमें मध्य प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है और दरअसल यही फिक्र की बात है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, अजय और आकाश के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। देश की बातें बाद अब बाढ़ से जुड़ी हुई। राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है तो पूर्वी राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजस्थान में दो दिनों में पानी में डूबने से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 48 घंटे से हो रही बारिश की वजह से दौसा, करौली, भरतपुर में कई गांव पानी में डूब गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हालात का जायज़ा लेने के लिए करौली और बयाना का हवाई सर्वे भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात पर नाराज़गी भी जताई है। उधर हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से 200 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। जगह जगह ज़मीन धंसने से एक नेशनल हाईवे सहित 213 सड़कों पर आना जाना बंद हो गया है। सबसे ज़्यादा असर शिमला, मंडी, कुल्लू और सिरमौर ज़िले में हुआ है। कई इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई ठप होने से लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई हैं। मौसम विज्ञान जो है, जो विभाग है, उसने एक सप्ताह तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट भी किया है। कुछ भी हो सकता है। देखिए आपको दृश्य दिखा। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।